एक नई क्विज़ आज इकोलॉजी से संबंधित आपके सामने पेश है कुछ इकोलॉजी के क्वेश्चंस इसमें फिर से शामिल किए गए हैं जैसे एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मेमल्स आर एबल टू मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट लेवल इरिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव ऑफ़ द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एंड आर नोन एज होमियोथर्मिक ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी कि कितनी भी गर्मी हो या कितनी भी ठंड हो हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो दियर बॉडी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल टेम्परेचर तो जो बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं उनको हम होम्योथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं जिसमें बर्ड्स आती हैं जिसमें मेमल्स आते हैं तो इसका आंसर होगा होम्योथर्मिक ऑप्शन बी रेप्टल फिशेज एंड एमफीवियं यानी इनकी बॉडी रेगुलेट नहीं कर पाती अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दे के नॉट एडजस्ट देअर बॉडी टेम्परेचर बाहर के वातावरण के अनुसार ये अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और एडजस्ट नहीं कर पाने के कारण ही ये खुद को हाइबर्नेट कर लेते हैं तो हाइबर्नेशन का मतलब है कि कैन नॉट टॉलरेट द एक्सट्रीम टेम्परेचर द एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम लो टेम्परेचर तो इनका यहाँ पर इसमें रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फीबियंस और आपने देखा होगा कि इसीलिए ये जब बहुत अधिक जाड़ा या बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो उस समय रेप्टाइल्स और फिशेस दिखाई देना बंद हो जाते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पोइलोथर्मिक रेप्टल फिशेस एंड एमफिवियंस आर पोइलोथर्मिक ऑप्शन बी इज करेक्ट थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एंडोथर्मिक एनिमल्स दे प्रोड्यूस सफिशियंट मेटाबोलिक हीट इंटरनली टू मेनटेन अ हाई बॉडी टेम्परेचर यानि कि ये सफिशियंट मेटाबोलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं ताकि इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे इनको एंडोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं हालांकि एंडोथर्मिक एनिमल्स को कुछ कुछ आप होम्योथर्मिक मान सकते हैं बट होम्योथर्मिक एनिमल्स आर नॉट एंडोथर्मिक ये दोनों सिनोनिमस नहीं हैं इनको हम सिनोनिमस शब्द नहीं मान सकते हम ऐसा नहीं कह सकते कि होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक ये दोनों सिनोनिम्स नहीं है एंडोथर्मिक एनिमल्स प्रोड्यूस सफिशियंट मोटाबोलिकी टू में हाई बॉडी टेम्परेचर दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम देखें विच रूल स्टेट्स दैट इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज इन कूलर क्लाइमेट्स टेन टू बी लार्जर देन दो इन वार्मर क्लाइमेट्स यानी कौन सा रूल ये बताता है कि ठंडे इलाकों में रहने वाले जो है वो बड़े होते हैं और वार्मर इलाकों में रहने वाले कम बड़े होते हैं छोटे कैंडिडेट होते हैं छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं ये वर्जमैंस रूल है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट कूलर क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स लार्ज होते हैं इंडिविजुअल्स लार्जर होते हैं वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले इंडिविजुअल्स छोटे होते हैं सो दिस इज़ ये बर्जमैंस रूल है और ऑप्शन ए इज़ करेक्ट तो ये बर्जमैंस रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जो ये बताता है कि वार्मर क्लाइमेट में रहने वाले लोग छोटे क्यों होते हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट विच रूल स्टेट्स दैट द एंडोथर्मिक एनिमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स टेंड टू हैव शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज और अपनडेजेज

जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स टेन टू हैव शॉर्टर अपेंडेजिस इन कंपेरिजन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज फ्राम वार्मर क्लाइमेट यानी दोनों सेम स्पीसीज हैं अगर कोल्डर इलाके में हैं तो उनके छोटे अपेंडेज होंगे वार्मर इलाके में हैं तो उनके बड़े अपेंडेज होंगे दिस इज एलेंस रूल नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें हैं कि कौन सा रूल बताता है कि स्पीसीज़ इनहेबिटिंग कोल्डर क्लाइमेट्स हैवे लार्जर हार्ट इन रिलेशन टू बॉडी वेट देन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इनहेबिटिंग वार्मर क्लाइमेट यानी गर्म इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हार्ट जो होता है छोटा होता है लेकिन जो लोग उसी स्पीसीज़ के जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं कोल्डर इलाकों में रहते हैं उनका हार्ट बड़ा होता है तो इसको वेट हार्ट भी लॉ भी बोलते हैं जो ये बताता है कि अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं तो आपका हार्ट बड़ा होगा और यदि आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आपका हार्ट छोटा होगा एक ही स्पिस है लेकिन उसके दो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देंगी टोल्डर इलाकों में अलग वार्मर इलाक़ों में अलग सो तो ये हेसीज रूल है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट Rule. अगला क्वेश्चन आप देखते हैं देर आर अपर एंड लोअर थ्रेश होल्ड वैल्यूज ऑन द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट बियॉन्ड विच द स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव यानी कि एक थ्रेश होल्ड वैल्यू होती है जो अपर लिमिट भी होती है लोअर लिमिट भी होती है यानी एनवायरमेंट का एक जैसे मान लीजिए अगर हम फॉर एग्जांपल टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर की एक अपर वैल्यू भी होती है टेम्परेचर की एक ले लोअर वैल्यू भी होगी जो थ्रेश होगी थ्रेश का मतलब बैरियर गेट उसके बाद एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा यानी कि अपर वैल्यू से ऊपर निकला टेम्परेचर तो एनिमल सर्वाइव नहीं करेगा लोअर वैल्यू से नीचे जाएगा टेम्परेचर तो एनिमल सर्वाइव नहीं करेगा दिस इज शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस ये शेल्फोर्ड लॉ है उसके बर्दाश्त करने की ताकत तो so, यहाँ पर ऑप्शन डी सेल्फोड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर अगर स्टेनोथर्मल स्टेनो का मतलब नैरो होता है अगर स्टेनोथर्मल एनिमल्स हैं तो वो टेम्परेचर की एक छोटी ए, छोटा वेरिएशन ही बर्दाश्त कर पाते हैं बड़ा वेरिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाते तो जिस तरीके से स्टेनोथर्मल होता है स्टेनो का बिल्कुल विलोम उल्टा होता है रिवर्स होता है अपोजिट होता है यू ई यू तो स्टेनोथर्मल दे कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर यूरी थर्मल दे टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नैरो इस्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स कैन टॉलरेट ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटिशन्स में बहुत आता है ये तो ऑप्शन ए नैरो इज करेक्ट नाइंथ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इन डेफिनेटली अगर एक ही रिसोर्स के लिए दो स्पिस कम्पीट कर रही हैं उनमें स्पर्धा हो रही है एक चीज़ को पाने के लिए दो लोग लड़ रहे हैं तो वो दोनों नहीं रह सकते उनमें से एक को समाप्त होना पड़ेगा दिस इज़ गॉसेस प्रिंसिपल कंपटीशन एक्सक्लूज़न प्रिंसिपल ऑफ गौसे तो गौस का जो नियम है वो ये कहता है कि अगर एक रिसोर्स के लिए दो लोग लड़ रहे हैं तो उनमें से कोई एक एग्जिस्ट करेगा दे कैन नॉट को एग्जिस्ट दोनों एक साथ नहीं रह सकते और ये गौसेज प्रिंसिपल है जो ऑप्शन डी इज करेक्ट इफ टू स्पीसीज कम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इन डेफिनेटली ऑप्शन डी गौस प्रिंसिपल नेक्स्ट क्वेश्चन सीजनल टोरपोर इज हाइबरनेशन यानी कि गर्म सीजन आया तो हाइबरनेट uh, कर गए बहुत ठंड पड़ी तो हाइबरनेट हो गए हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ये टोरपोर अगर हो रहा है तो इसको हम सीजनल हो रहा है सीज़न में हो रहा है तो इसको हम हाइबरनेशन कहते हैं तो सीजनल टोरपोर इज़ हाइबरनेशन और ये यानी कि सीजनल टोरपोर का मतलब होता है इनएक्टिव अक्रिय हो जाना एक्टिव ना होना एक्टिव ना होना इज टोरपोर तो सीजनल टोरपोर इज़ हाइबरनेशन अगर एक सीजन में ये इनएक्टिव हो जाते हैं तो इसको हाइबरनेशन कहा जाता है ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कई सारी चीज़ें एक साथ रखी हुई मिल गई होंगी तो कल मिलते हैं फिर एक नई क्विज के साथ थैंक यू